हम लोग आज यहाँ से विधान भवन तक इस मोर्चे को लेके जा रहे हैं। इसमें सकल हिंदू समाज इस मोर्चे में शामिल है। हिंदू जन जागृति की ओर से यह मोर्चे का आयोजन किया गया है। हम चाहते हैं कि इसी सत्र में, क्योंकि इस महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है आदरणीय शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र जी फडणवीस, यह दोनों हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर ही इस महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की सरकार का यह पालन कर रहे हैं और हमको ज्ञात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जब स्वराज्य में इस प्रकार की कोई भी घटना उस समय नहीं होती थी, और होती थी तो उन कसाईयों के हाथ काट दिए जाते थे और जो हमारी बहू बेटियों के साथ इस प्रकार का कृत्य करते थे उनको जिंदा गाड़ दिया जाता था इसी माटी में, इसी धरती पे, इसी महाराष्ट्र के धरती पर। और हम ही चाहते हैं कि आपने जब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य की अगर आप कल्पना कर रहे हो इस महाराष्ट्र की भूमि पर, तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री शिंदे जी से, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी से यह विनती करता हूँ कि इसी सत्र में लहो जिहाद का यह कानून पारित किया जाए। श्रद्धा के टुकड़े हुए परसों झारखंड में हमारी बहू की, फिर से हमारी बेटी के 50 टुकड़े किए गए। हिंदू समाज अब यह बात को सहन नहीं करेगा। हम बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं। जब तक इस संविधान का हम मान रख रहे अगर हिंदू समाज को चेताया गया तो, वरना हाथ में हमको भी शस्त्र लेकर हमारी हिंदू बहू बेटियों का हमें संरक्षण करना पड़ेगा, रक्षण करना पड़ेगा। यह लव जिहाद की इस मोर्चे के विरुद्ध में हम लोग आज विधान भवन जा रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि हमारा हिंदू समाज का मान रखकर हमारे शिंदे जी और फडणवीस जी इसी सत्र में यह लव जिहाद का विरोध का पारित कर दें।